Look at the crowd. तो आप देख सकते हो कि मेरे पीछे भी पूरी जगन्नाथ में क्या माहौल है, पूरा पूरा फुल वाइब आ रहा है। पानी स्प्रे किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफी ज्यादा है। जय जगन्नाथ। माय नेम इज भक्त चरण दास, काउंसलर एंड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बीजू जनता दल पूरी। रथ यात्रा का पेड़ है, गवर्नमेंट का लेवल में चार मीटिंग होता है, जैसे एक तो कलेक्टर का लेवल में मीटिंग होता है, एक तो चीफ आरडीएस का लेवल में मीटिंग होता है, लास्ट मीटिंग कंडक्ट करते हैं चीफ मिनिस्टर। डिवीजन रात में आते हैं मंदिर माँ प्रभु को दर्शन देने के लिए। बहुत दिन पहले कोई आदमी कोई यहाँ का सेवा है तो उनको देख लिया। लेकिन इस महाप्रसाद की खास बात यह है कि ना वो कभी कम होता है और ना ही कभी वेस्ट होता है। नमस्ते, सत श्री अकाल, कैसा है आपका हाल चाल? ये ब्लॉग बनाने का एक्चुअली हैबिट तो गया नहीं था, हैबिट था क्योंकि बीच बीच में मैं और रिया कहीं पे भी जाते थे तो फ़ोन पे शूट करते रहते थे, तो ब्लॉग बनाते रहते थे, तो वो भी वीडियोस हैं, कुछ कुछ मैं डालूंगा धीरे धीरे। तो अभी जो है ये सीन ऐसा है कि मैं निकल रहा हूँ पूरी रथ यात्रा के लिए। यस, तो ये सारा अरेंजमेंट जो है दादा भाई का है और दादा भाई ने ही सारा अरेंज किया, तो थैंक्स टू दादा भाई कि दादा भाई के लिए जा पा रहा हूँ। और इसमें एक कैच है, कैच ये है कि इस बार कैसे जा रहा हूँ और कौन नहीं जा रहा है वो आपको ब्लॉग में आगे पता चलेगा। कैच ये है कि मेरे साथ इस बार रिया जा नहीं रही है, मैं अकेले जा रहा हूँ। तो हम लोग तीन लोग जा रहे हैं, मैं, दादा भाई और टिंटिंदा। तो टिंटिंदा को आप ब्लॉग में देख पाओगे, दादा भाई को तो आप लोग पहले शायद देखा है, शायद, अच्छा नहीं देखा है, मैं दिखा दूंगा दादा भाई को। और रिया नहीं जा रही है तो वो गुस्से में, अभी मेरे से बात भी नहीं करे, मैं उसको बोल रहा हूँ कुछ दे दो कुछ कपड़े जो लेके जाऊँगा, वो भी नहीं कर रही है। सो के सिर्फ अपना फ़ोन देखना है, बट मेरे लिए उठा नहीं, वैसे काम तो बहुत करती है, फिलहाल कोई बात नहीं, पहले उसको मना लेता हूँ, फिर अभी ये ट्रिम भी करना है, सिर्फ ये, और उसके बाद फिर यहाँ से निकलना है। और वैसे ये ब्लॉग जो है ये ब्लॉग पूरी रथ यात्रा से आने के बाद ही होगा क्योंकि मैं लैपटॉप कैरी करने वाला हूँ नहीं। और दूसरी बात ये है कि ये जो व्लॉग है ना, ये व्लॉग सिर्फ और सिर्फ रथ यात्रा के बारे में होगा। शायद हो सकता है मैं क्लिपिंग थोड़ा थोड़ा डालूं ड्राइविंग के और राइडिंग के जो भी होगा, तो वो आपको दिख ही जाएगा व्लॉग में, लेकिन ये व्लॉग जो है पूरा रथ यात्रा के ऊपर ही होने वाला है। तो फिलहाल चलता हूँ, फ्रेश होता हूँ, उसे मनाता हूँ, फिर नीचे मिलता हूँ मैं आपको। हम लोग जा कैसे किससे रहे हैं वो पहले आप देख लो। इस बार मेरा जो पार्टनर है वो बाइक नहीं है, इस बार पार्टनर जो है ये गाड़ी है, और इस गाड़ी में जो लोग हैं उनको भी दिखाऊंगा। इस बार रिया नहीं जा रही है, पापा हम लोग को सी ऑफ करने के लिए आए हैं, तो रिया अकेले रहेगी और गाड़ी के पार्टनर लोगों को बाद में दिखाऊंगा। फिलहाल अभी यहाँ से निकलते हैं क्योंकि लेट बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं एज़ यूजुअल हमेशा एक घंटा लेट चल रहा हूँ, मैं हमेशा लेट करता हूँ। तो अभी चलता हूँ, पहले रिया को और पापा को बाय करता हूँ, फिर निकलता हूँ यहाँ से। चलो बाय बाय, चलो पापा, जय जगन्नाथ। सुबह के 4:12 हो रहे हैं और अभी हम लोग हैं चंडी खोल नाम की एक जगह पे, और यहाँ से अभी पूरी जगन्नाथ हम लोगों को और 130 किलोमीटर जाना है। और अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे तेल रिफिल कराने के लिए, तो 3980 रुपये का तेल अभी हम लोगों ने फिर से फुल टैंक करा लिया है। अभी यहाँ से हम लोग निकलेंगे फटाफट क्योंकि हम लोगों को सुबह जल्दी पहुँचना है, सनराइज देखना है, और उसके बाद क्योंकि अगर सुबह अगर लेट हुआ तो हम लोग रथ यात्रा का जो जितने सारे भी रास्तों पे बैरिकेड्स वगैरह जो भी मिलेंगे तो उसमें हम लोग फंस सकते हैं, तो इसलिए हम लोग जल्दी जल्दी निकल रहे हैं, कहीं भी रुक नहीं रहे हैं। 3980 रुपीस का तेल वापस से रिफ्यूल हुआ है, तो अभी चलते हैं फटाफट और निकलते हैं। जगह को जानते हैं वो लोग समझ चुके हैं कि मैं कहाँ आया हूँ। तो मैं जैसे बता रहा था कि रात को बताऊँगा, रात को बताने का मौका बिल्कुल नहीं मिला। तो अभी हम लोग हैं होटल विजय इंटरनेशनल, तो हम लोग एक्चुअली पूरी में हैं, तो पूरी में आए हैं। उसके पीछे रीज़न सिर्फ दो है, एक जगन्नाथ जी का दर्शन और दूसरा रथ यात्रा।
तो अभी फिलहाल जो है होटल इंटरनेशनल के अंदर हम लोग का चेक इन होगा नहीं, क्योंकि हम लोग बहुत अर्ली पहुंच चुके हैं, क्योंकि हम लोग का एक्सपेक्टेड टाइम था 10 बजे के आसपास का, तो हम लोग पहुंचे हैं सुबह 6 बजे, मतलब 4 घंटा पहले पहुंचे हैं। और दादा भाई ने जो ड्राइव किया ना, माशाल्लाह। अभी कितना बज रहा है? अभी 6:15 हो गया। 6:15 एक्चुअली अभी शाम के 5 हो रहे हैं और हम लोग होटल आते ही हम लोग सब सो गए थे, इतने टायर्ड थे क्योंकि रात भर जो है गाड़ी में बैठ के आना और फिर ऊपर से कहीं पे भी स्टॉप हम लोग लिए नहीं, क्योंकि आधे घंटे 45 मिनट का नॉर्मली मैं जब राइड करता हूँ तो ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन हम लोगों ने डिसाइड किया था कि हम लोग ब्रेक लेंगे ही नहीं। मैक्स टू मैक्स हम लोग अगर कहीं रुके भी हैं तो सबसे ज़्यादा रुके हैं तो 7 से 8 मिनट। तो जहाँ पर हम लोग सुबह को 10 बजे पहुँचने का था वहाँ हम लोग पहुँचे हैं सुबह 6 बजे, तो 4 घंटे पहले घुसे हैं और टायर्ड भी थे, तो 6 बजे रूम हम लोग को मिला 8 बजे। टुवर्ड्स मंदिर एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ जा रहे हैं और आप ये देख सकते हो कि क्या हालत है पूरी में। जगन्नाथ देव जी के दर्शन के लिए, रथ यात्रा के लिए क्या क्राउड है और क्या, मतलब सच में बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके और एक अच्छी फीलिंग और एक अच्छी वाइब भी आ रही है साथ में। मेरे पीछे भी पूरी जगन्नाथ में क्या माहौल है, पूरा फुल वाइब आ रहा है और मज़ा भी आ रहा है, लेकिन गर्मी भी काफ़ी है, शहरी की सकल की हालत जो हो रखी है मेरी। तो फिलहाल अभी हम लोग जा रहे हैं वहाँ पे, हमारे लिए 2 लोग वेट कर रहे हैं, उनके साथ जाएंगे और इस भीड़ में अगर मौका मिला तो हो सकता है कि मैं, दादा भाई और टिंटिन का, हम लोग सब जगन्नाथ जी का जो रथ है उसका जो दोड़ी आता है ना, तो वो हम लोग साथ खींच पाए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कहानी है वो मैं बताऊँगा, लेकिन फिलहाल पहले वहाँ पहुँचते और गर्मी बहुत ज़्यादा है, आप एक बार मेरे पीछे का वाइब्स देखो। देख सकते हो कि फायर ब्रिगेड की गाड़ी के ऊपर और वाटर कैनन से, मतलब वो सबके ऊपर पानी स्प्रे किया जा रहा है क्योंकि यहाँ पे गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। तो ये यहाँ पे नहीं, ये पीछे भी हो रहा था, तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिया और ड्रिंकिंग वाटर और ये सब देखो यहाँ पे सब खड़े होते सब, आपने आपको हल्का फुल्का धो भी रहे हैं, एम्बुलेंस सर्विस भी काफ़ी अच्छा है। गर्मी इतनी ज़्यादा थी कि थैंक्स टू दादा भाई एंड थैंक्स टू दादा भाई के थ्रू से जिनके यहाँ पे हम लोग अभी रुके हुए हैं, तो ये एकदम जगन्नाथ पुरी का जो टेंपल है वहाँ पे, यहाँ पे रथ है वहाँ से थोड़ी ही दूरी पे हम लोग रुके हुए हैं और क्राउड जो है काफ़ी ज़्यादा है। मैं अभी जिनका इंट्रोडक्शन देने वाला हूँ वो यहाँ पे 4 टाइम्स काउंसिलर रह चुके हैं और इन फ्यूचर उड़ीसा गवर्नमेंट के मेयर होने वाले हैं पुरी एरिया के। तो आप देख रहे हो मेरी चेहरे की हालत क्या हो रखी है, तो एक बार मैं को पहले उनसे बात करा देता हूँ और उनकी अरेंजमेंट यहाँ पे क्या क्या है और पूरी जगन्नाथ की जो वाइब्स है, यहाँ की जो एक जगन्नाथ जी का जो महत्व है वो उनसे एक बार हम लोग पूछते हैं। जय जगन्नाथ। माय नेम इज़ भक्त चरण दास, काउंसलर एंड डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट बिजू जनता दल पूरी। मैंने ये रथयात्रा जो होता है कार फेस्टिवल, वो मैंने विश्व का एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है रथयात्रा, जे कि महाप्रभु साल में एक बार
रथ यात्रा में आते बाहर को आते बाहर में आते क्योंकि पूरी मंदिर एक ओनली हिंदू आर अलाउ नॉट मैंने मुस्लिम मुस्लिम लोग अलाउ नहीं, इसलिए सब धर्म का लोग को दर्शन देने के लिए बाहर में आते हैं यात्रा करने के लिए। जो 9 दिन यात्रा होते हैं महाप्रभु का, 9 दिन गुंडीचा मंदिर में रहेगा। गुंडीचा जो उनका बोलता है मासी बड़ी गुंडीचा मंदिर, वो गुंडीचा मंदिर है। जो पहले जो राजा थे उनका वाइफ का नाम था गुंडीचा, उनका नाम है मंदिर है उस टाइम, इसलिए उनका पहले बहुत मैंने इतिहास है। महाप्रभु जो पूरी में जिस टाइम जन्म हुए थे गुंडीचा रानी, उस टाइम उनका जो दरवाज़ा खोल दिया था, इसलिए महाप्रभु इसे अभी जो कंडीशन उनका हाथ नहीं पैर नहीं कुछ नहीं है। उस टाइम उनका जो राजा थे, राजा मैंने गुंडीचा रानी को अभिशाप दिए, देखिए इसे क्या महाप्रभु का हाथ कुछ नहीं, लेकिन गुंडीचा जो रानी वो महाप्रभु उस दिन ये किया था, देखिए मेरा भूल हो गया, नहीं ठीक है मैं आपका मंदिर में साल में आषाढ़ महीना में एक बार 9 दिन रहेगा यहाँ पर। ये बेटा मेन रथ यात्रा का मेन उद्देश्य है, जो रथ यात्रा के लिए जगन्नाथ बहन सुभद्रा और भाई बलभद्र वो तीन रथ में वो यात्रा करते हैं। 9 दिन व्यापी यात्रा वो 9 दिन होता है, उसका बाद महाप्रभु आके रथ का में एक सुनावेश होता है, साल में 4 बार सुनावेश होता है, उनको बोलते हैं स्वयं एकादशी, मैंने वो जो एकादशी होता है 4 बार होता है, एक तो रथ का ऊपर होता है, दोल पूर्णिमा होता है, दशहरा टाइम होता है और कार्तिक पूर्णिमा होता है, 4 बार महाप्रभु का सुनावेश होता है। और है आप लोग को मालूम है रथ यात्रा में कितना आदमी होता है, वो लोग आते हैं। बहुत दिन पहले हम सुना था 6 रथ था, मैंने उस टाइम ये जो रोड में पानी था, मैंने नौका में महाप्रभु पार होकर गुंडीचा मंदिर जाते थे बहुत दिन पहले, मैंने हमको बोले वो 100 साल के 200 साल पहले, मैंने उस दिन जो रथ यात्रा उस टाइम होता था। लेकिन जो शहर के अंदर ही था, हाँ शहर के अंदर पानी था वो शहर के अंदर में एक जगह है, जगह का नाम है बड़ो संघ। यहाँ से एक तो आप जाएगा वो जो ग्रांड रोड है ना, पूरी मंदिर से लेके गुंडीचा मंदिर के अंदर में आप जो देते हैं मेडिकल स्क्वायर है, मेडिकल स्क्वायर के आगे में एक जगह है उसका नाम बोलते हैं बड़ो संघ। बड़ो संघ में पूरा नदी था, महाप्रभु उस टाइम जो डोंगा में नौका में जाके फिर जाते गुंडीचा मंदिर जाते थे। लेकिन अभी तो मैंने सब डेवलपमेंट हो गया, रास्ता मतलब सब हो गया, लेकिन जो रथ यात्रा के लिए महाप्रभु का एक बहुत बड़ा खुशी का दिन है, वो आते हैं सब लोग को दर्शन देने के लिए। जगन्नाथ जो रथ में जाते हैं उनका नाम नंदीघोष है, और बड़भद्र जो रथ में जाते हैं उनका बोलते तालोध्वज है, और सुभद्रा माँ जो रथ जाते हैं उसको बोलते देवी दापोदलन है। और उनका पास में महाप्रभु जो जाते हैं एक अकेले जाते नहीं, उनका साथ में बहुत देवादेवी जाते हैं। उनका जो पार्श्व देवता है उनका नाम में बहुत अच्छी, उसमें नृसिंह जाता है, महाकाली जाते हैं, माने दुर्गा माधव जाते हैं, बहुत बहुत माने उनका साथ ठाकुर जाते हैं 9 दिन व्यापी। वो महाप्रभु के साथ भी जाके 9 दिन वही गुंडीचा मंदिर रहते हैं, उसके बाद फिर रिटर्न करता है उनका खुद का माने घर में। अभी हम लोग यहाँ पे वेट कर रहे हैं ना बलराम देव जी का जो रथ है, पहला सबसे पहला रथ वो है, तो वो अभी आने वाला है, तो वो यहाँ से क्रॉस करेगा, तो वो पहले वो रथ आएगा, उसके बाद सुभद्रा जी का रथ आएगा, उसके बाद फिर जो है जगन्नाथ ठाकुर का जो है रथ आएगा। तो बलराम ठाकुर का रथ जब यहाँ से पास करेगा, जो भी है जो वाइब्स है ना यहाँ पे बहुत अच्छा वाइब्स है, तो पहले आपको मैं वो दिखाऊंगा यहाँ से जब रथ क्रॉस करेगा, पहला बलराम उसके बाद सुभद्रा उसके बाद जगन्नाथ ठाकुर। तो बलराम ठाकुर का जब रथ क्रॉस करेगा तो मैं आपको दिखाऊंगा। इस मंदिर का सबसे खास बात है कि महाप्रसाद बनाने के लिए किसी भी तरीके का इलेक्ट्रिसिटी या फिर मशीन का यूज़ नहीं होता है, लकड़ी के आग से महाप्रसाद बनता है, जिसमें 752 मिट्टी के चूल्हे हैं जो मंदिर के कुकिंग एरिया में ही हैं, और चूल्हे के ऊपर 7 मिट्टी के बर्तन एक के ऊपर एक रखा जाता है, और इसका चमत्कार ये है कि सबसे पहले ऊपर वाला बनता है। तो जय जगन्नाथ। राजा जी का बोल रहे थे रथ शुरू होने से पहले, हाँ रथ शुरू होने का पहले एक्चुअली देखिए महाप्रभु राजा जो है ना बोलते लक्ष्य राजा में मौर्य मुनि, सारा भारत में ऐसे राजा नहीं, ये स्वयं महाप्रभु का चलंती प्रतिमा,
एक बार हम सुना था दो दिन पहले राजा रथयात्रा टाइम में नहीं थे, वो थे उस टाइम दिल्ली में थे, उनका उस टाइम वो एक्चुअली लॉ करते थे, मैंने वो भाई प्रोफेशनली मैंने लॉयर है, उस टाइम रथयात्रा आया नहीं, किंतु रथ महाप्रभु का रथ गया नहीं, फिर राजा को स्वप्न लाया, ठीक है तुम नहीं आएगा मैं रथ जाएगा नहीं, राजा का एक तो सेवा है वो तीन रथ में झाड़ू देते हैं, जैसे हमारा जो लोग घर में झाड़ू देता है महाप्रभु का ये बोलते हैं ना फास्ट सेवक है, मैंने एक नंबर यदि कोई है महाप्रभु का वो फास्ट सेवक है, यहाँ का जो राजा है पूरी का गजपति महाराज है, वो रथ के टाइम में वो जाके महाप्रभु का जगन्नाथ बलभद्र सुभद्रा रथ में झाड़ू देते हैं, झाड़ू देने के बाद उनका फिर रथ चलता है। एक तो लाइफ में हम भी सब लोग का भी डेथ होता है, महाप्रभु का भी डेथ होता है, जब कोई साल में दो महीना आषाढ़ पड़ेगा उस टाइम नवग्रह होता है, मिनिमम 15-16 साल में एक ही बार नवग्रह रहता है, जिस टाइम महाप्रभु फिर मंदिर का अंदर में जो हमारा सुनसान घाट है उनका अंदर में जो कोहली वैकुंठ है, कोहली वैकुंठ में महाप्रभु वहाँ पर तपन होते हैं, फिर नया मैंने जो आता है काट आता है उसके लिए भी बहुत प्रकार रीजन है, यहाँ का जो द्वैतापति लोग है ना, जो द्वैतापति लोग उनका साल में एक महीना सेवा है, जो सेवा के लिए वो बहुत लोग वो महाप्रभु का पूरा घर का लोग है, जैसे महाप्रभु श्रावण पूर्णिमा हुआ, श्रावण पूर्णिमा से अपने नीलाद्री विजय तक द्वैतापति लोग का सेवा है, वही एक महीना उनका सेवा है, उसके बाद उनका इतना सेवा नहीं है, मेनली रथयात्रा टाइम में महाप्रभु का ज्वर होगा, जैसे ज्वर में थोड़ा घर में पढ़ने में हमारा पिताजी माताजी हमारे बहन हमारे भाई सब लोग हमको सेवा करते हैं, वो द्वैतापति का सेवा करते हैं, वो महाप्रभु जो ज्वर में पड़ते हैं उनके लिए वो लोग सेवा करते हैं, फिर उनके लिए भी वैध है, जैसे हम मेडिसिन करते हैं उनके लिए भी वैध है, वो लोग उनको मेडिसिन पत्र खिलाता है, ये सब महाप्रभु पूरा जैसे एक तो मनुष्य का जो लाइफ स्टाइल जो है ना, सुबह उठ के ब्रश करना है, ब्रेकफास्ट खाना है, नहाना है, ये महाप्रभु का ऐसे भी मैंने पूरा लाइफ स्टाइल एक तो मानव जैसा है। সেই সময় জগন্নাথ মহাপ্রভু সেই সময় যখন নতুন ঠাকুর তৈরি হবে তখন জেনকে নতুন ঠাকুর স্থাপিত হবে, সেই সময় সেইকে জগন্নাথ ঠাকুরের ভেতরে যে কৃষ্ণর যে ইয়েটা রয়েছে হাটটা যেটা রয়েছে টাইম উস টাইম আম তো আমরা আমি যে জিতনা এজ উসকা এজ মে দুটো নবগ্রহ দেখা 2015 মে দেখা থা 96 মে দেখা থা 96 মে দু বার দেখা যে নবগ্রহ টাইম মহাপ্রভু যে ডে উসকা মহাপ্রভু যে তপ মানে এই যে মন্দির কা অন্দর মে এক 21 সাল কা ডিফারেন্স হো গয়া কবি কবি না উসে পার্টিকুলার নেই বল সকতে 15 সাল কি 16 সাল মে হোগা जी जो साल दो महीना आषाढ़ पड़ेगा उस टाइम नवग्रह होता है सब तिथि में दो मास तिथि में इधर भी आप बहुत लोग है मैंने हमारा इधर में जो महाप्रभु का पूरा रिसर्च करते हैं कभी आप लोग आएगा मैं उनको मिलाएगा वो पूरा टोटली यहाँ का जो महाप्रभु का जो उनका जो जैसे मैंने बोलते हैं ना हम पहले सुना था विभीषण रात में आते हैं मंदिर महाप्रभु को दर्शन देने के लिए बहुत दिन पहले कोई आदमी कोई यहाँ का सेवा है तो उनको देख लिया प्रैक्टिकल उनका फेस टू फेस पड़ गया मंदिर में वो देखिए इतना बड़ा लोग ये देख के जब वो बोला देखिए तुम किसी को बताएगा नहीं वो हाथ का कंकण दे दिया और वो कंकण पूजा होता है यहाँ पर मैंने ऐसा भी है मैंने विभीषण खुद आए हाँ खुद आए फिलहाल मैं ऊपर जा रहा हूँ पहले सुभद्रा जी का जो रथ आने वाला है वो हम लोग नीचे से देखेंगे और ऊपर जा रहा हूँ देखने के लिए कि जगन्नाथ ठाकुर का जो रथ आएगा वहाँ से व्यू कैसा मिलेगा तो इसीलिए ऊपर आके एक बार जगह चेक कर ले रहे हैं और जगह चेक करने के बाद फिर हम लोग ऊपर ही आ जाएंगे जब जगन्नाथ ठाकुर जी का रथ आएगा तो लेकिन सुभद्रा ठाकुर का रथ हम लोग नीचे से ही देखेंगे
हर दिन इस मंदिर में महाप्रसाद 10,000 लोगों के लिए बनता है। लेकिन इस महाप्रसाद की खास बात यह है कि ना वो कभी कम होता है और ना ही कभी वेस्ट होता है, चाहे 10,000 लोग खाएं या 2,00,000 लोग। इस महाप्रसाद को बनाने के लिए हर रोज नए मिट्टी के बर्तन का यूज होता है, हर दिन नए मिट्टी के बर्तन में एक्चुअली बनता है, और हजार सेवक इस महाप्रसाद को बनाने में सेवा करते हैं। और इसकी ट्रेनिंग जो है ना 12 साल की उम्र से शुरू होती है, जो सेवा मरते दम तक चलता है। फेस्टिवल है मैंने महाप्रभु का, महाप्रभु का जो बोलते हैं जिसके पास डोरी लगेगा वो लोग आएगा। मैंने ये चट्टान हो गई चमत्कार सच सच देखिए। अभी ऑल ओवर इंडिया से सब स्टेट का अभी देखिए, मैंने आप मैं 10-15 साल पहले देखा था ओनली बंगाल स्टेट का बहुत टूरिस्ट लोग इधर आते थे उड़ीसा में पूरी में स्पेशल। अभी जितना देखो मैंने आउट ऑफ इंडिया में जितना स्टेट थे यूपी हो बिहार हो आपका महाराष्ट्र मैक्सिमम से केरला से आता है। और अभी अभी पूरी भी इतना डेवलप हो रहा है, अभी पूरी में एक एयरपोर्ट हो रहा है जगन्नाथ इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मैंने पूरा ये में हो रहा है। चीफ मिनिस्टर का उनका मोटो है पूरी को हेरिटेज सिटी करना है, उसका मैंने बीच का जितना देखा बीच में इतना ब्यूटिफिकेशन हुआ है। अब जहाँ पर है सामने नीलाद्री बीच है, ब्लू फ्लैग बीच है। अभी पूरी बीच को 4 कैटेगरी किया है, मैंने आपका जो होटल स्टॉलिंग रिसोर्ट है होटल सांतुना तक उसको 4 पार्ट में कैटेगरी किया। उसमें एक बीच का नाम ब्लू फ्लैग बीच है, एक नीलाद्री बीच है, और 2 नाम अभी जो आप जो होटल में है विजय इंटरनेशनल मेफेयर का सामने एकदम मेफेयर और उसका बगल में है ब्लू फ्लैग। ब्लू फ्लैग अभी लास्ट रेल जो दुर्घटना हो 3 দিনের মধ্যে সব কিছু সেটেল করে দিয়ে ঠিক করে দিয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে ওখানে মানে টেম্পোরারি মর্গ টেম্পোরারি হসপিটাল পুরো বাসে করে এখানকার বাস এত মানে বাইরের লোকজন সব আটকে রয়েছে এখানকার বাস পুরো ফ্রি করে দিয়েছে, মানে প্যাসেঞ্জার এখান থেকে বাড়ি অবধি পৌঁছানো যারা আটকে টাটকে গেছে পুরো বাস ফ্রি। নবীন পাটনায়ক অন্য अभी आप पूरी देखेगा अभी 2025 में आएगा पूरी का जो अभी देखिए ग्रैंड रोड में जो मंदिर है मंदिर के है ना मंदिर का जो अभी मंदिर का एक परिक्रमा हो रहा है, मतलब जो लोग आएगा मगर परिक्रमा घूमेगा उसके लिए गवर्नमेंट का एक स्कीम है अभड़ा योजना, उसमें अभी 2500 करोड़ मैंने उसका डेवलपमेंट के लिए खर्च हो रहा है। उसका बीच का जितना बीच में भी अभी बहुत डेवलप हो रहा है बीच में, उसके बाद आपका इंटरनेशनल एयरपोर्ट हो रहा है पूरी में, अभी स्टेडियम होगा स्टेडियम में भी चीफ मिनिस्टर इनॉग्रेशन करेगा बड़े ये स्टेडियम होगा और भी और पूरी जो भुवनेश्वर स्टेडियम मैंने पूरी फुटबॉल स्टेडियम तो आपके पास है। हाँ मैंने हमारा जो इंडस्ट्री विराट कोहली दारून स्टेडियम मैंने एकदम लेटेस्ट स्टेडियम हो पिछले विथ मल्टी जिम फैसिलिटी स्विमिंग पूल एवरीथिंग कंप्लीट मैंने नाउ गवर्नमेंट का लेवल में 4 मीटिंग होता है, जैसे एक कलेक्टर का लेवल में मीटिंग होता है, एक चीफ आरडीएस का लेवल में मीटिंग होता है, लास्ट मीटिंग कंडक्ट करते चीफ मिनिस्टर। वैसे तो हर दिन पुरी में जगन्नाथ टेम्पल में 100 से भी ज़्यादा तरीके के भोग बनते हैं, लेकिन रथ यात्रा के समय ना जगन्नाथ भगवान जी के लिए एक स्पेशल भोग बनता है, तो वो सिर्फ रथ यात्रा के वक्त ही होता है।
इतना ज़्यादा भीड़ है कि दौड़ी को टच कर भी नहीं पाए और छू तक नहीं पाए, खींच तक नहीं पाए, कुछ भी नहीं कर पाए, लेकिन जगन्नाथ जी के कृपा से हम लोगों को ये मिला है। तो ये मिला है और वो भी वहाँ से मंदिर से, मतलब जो रथ था वहाँ से एक पंडित जी उतर के आके हम लोगों को देखे गए। ये तो ब्लेसिंग्स तो मिल गया और रथ भी जो था मेरा सपना देखने का वो भी पूरा हो गया है। तो फिलहाल अभी काफ़ी भीड़ है, भीड़ इतना है कि आप देख सकते हो वीडियो में। तो जब खाली होगा, अगर रात को मौका मिलता तो रात को जाऊंगा और रस्सी को, जो दौड़ी है उसको टच करूंगा, तो वो रात को ही हो पाएगा। फिलहाल अभी यहाँ पे तो जगन्नाथ जी का जो रथ था वो निकल चुका है। ये जगन्नाथ पुरी का मंदिर है और गंगा और सरस्वती नदी इस मंदिर के अंदर से बहता है, जो बाहर से नहीं दिखता है, लेकिन इसका पानी महाप्रसाद को बनाने में यूज होता है। तो ये है जगन्नाथ भगवान जी का कृपा और महिमा। सो रथ यात्रा का जो जगन्नाथ जी, सुभद्रा जी और बलराम जी का जो रथ था, हम लोगों ने वो मौका मिला लास्ट मोमेंट पे, वो भी डिंडिंदा ने हिम्मत दिया। तो अभी फिलहाल हम लोग रूम में आ रहे हैं, बहुत ही थके हुए हैं, तो रूम में जाते हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं।